हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स वेट सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर फिफ्टीथ ऑफ फरवरी 2022 तो so 15 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि, कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक किया करिए आज का टारगेट हमने फिर से हजार लाइक्स का रखा है अगर आप लोग चाहेंगे तो जरूर पूरा हो जाएगा है ना आप लोग की दुआ दया से तो आई होप आप लोग सब लोग जो देख रहे हैं वीडियो वन पर्सन वन लाइक के कंसेप्ट से सीधे लाइक करेंगे वीडियो ताकि एक हज़ार का नंबर पूरा हो है ना स्टार्ट uh, करने से पहले आपको बता दूं कि जिनको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक रह गया है फॉर दिस ईयर फिल्म एग्जामिनेशन दे कैन ज्वाइन आर यूपीएससी फिल्म रिवीजन सीरीज आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दैट विल कम इन हैंडी फॉर योर एग्जामिनेशन ठीक है ना और नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक मिल जाएगी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ सबसे पहले आज के क्वेश्चन जो फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं पहला सवाल है कंसिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट वन कह रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट दूसरा कह रहा है द रीजंस फॉर डिटेंशन कैन नॉट बी कन्वेड टू द इंडिविजुअल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन सेलेक्ट द ऑप्शन फ्राम बिलो तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन क्वेश्चन नंबर टू इज रिवर देविका प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर टू है रिवर देविका प्रोजेक्ट वॉर रिसेंटली सीन इन न्यूज आपको बताना है कि किस स्टेट या किस यूनियन टेरेटरी से रिलेटेड है ठीक है ना रिवर देविका प्रोजेक्ट तो दिस इज द क्वेश्चन ऑप्शन आर गोवा तमिलनाडु जम्मू एंड काश्मीर कर्नाटका ठीक है ना गोवा uh, तमिलनाडु जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका तीसरा सवाल है जीएसटी कंपनसेशन सेस के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं पहला स्टेटमेंट दिया है इफ अ जीएसटी कंपनसेशन सेस इज़ लेवीड ऑन एनी प्रोडक्ट जीएसटी इज नॉट लेवीड ऑन इट टू प्रिवेंट कैस्केडिंग ऑफ प्राइजेस ठीक है ना दूसरा कह रहा है द प्रोसीड्स ऑफ द कंपनसेशन सेस विल बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है तो वन ओनली टू ओनली बोथ एन आर द ऑप्शन आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन और नीचे कमेंट में आप बताने की कोशिश करेंगे कौन कौन से आपसे सही बने लेट मी टेल यू दी आंसर वन बाय वन पहला सवाल जो था वो सवाल है प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रीजन फॉर डिटेंशन कैन नॉट बी कन्वेड टू द इंडिविजुअल अंडर दलत स्टेटमेंट रीजन तो उसको बताना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले व्यक्ति को ही बताना पड़ेगा कि आपको इसलिए किया जा रहा है तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग रिवर देविका प्रोजेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये किस स्टेट या यूटी से रिलेटेड है तो रिवर देविका प्रोजेक्ट याद रखेगा ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ठीक है ना रिवर देविका प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है ना सो दैट इज अ थिंग विच इज इम्पोर्टेंट थोड़ा और आपको बता दो कि जो रिवर देविका प्रोजेक्ट है वो लगभग एक सौ नब्बे करोड़ का प्रोजेक्ट है एंड यह दो हज़ार उन्नीस में स्टार्ट किया गया था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत ठीक है ना एंड ये प्रोजेक्ट अंडर द प्रोजेक्ट बाथिंग घाट्स ऑन द बैंक्स ऑफ देविका रिवर विल बी डेवलप्ड इन इंक्रोचमेंट्स विल बी रिमूवड एंड नेचुरल वाटर बॉडीज शुड बी रीस्टोर क्या क्या था बेसिकली वहाँ पे बाथिंग घाट्स यानी जो बाथिंग नहाने के लिए घाट्स होते ना वो क्रिएट किए जाएंगे देविका रिवर के Against, uh, वहाँ पे और वहां से जो इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव किया जाएगा तो यह सारी चीजें आपको पता होना चाहिए एंड देविका रिवर का जो ओरिजिनेशन है हिली शुद्ध महादेव टेम्पल शुद्ध महादेव टेंपल उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आता है आपका जम्मू कश्मीर रीजन में एंड इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्टर्न पंजाब जो कि फिर पाकिस्तान के अंदर मर्ज हो जाता है, है सो दैट इज द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट एंड ये रावी रिवर के साथ मर्ज होती है फाइनली ये रावी रिवर के साथ मर्ज होती है एंड इसको सिस्टर ऑफ रिवर गंगा भी कहा जाता है देविका रिवर को सिस्टर ऑफ रिवर गंगा भी कहा जाता है ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आप याद रखिएगा कि इसका बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस रिवर का सिस्टर ऑफ रिवर गंगा भी कहा जाता है इसका जो ओरिजिन है वो शुद्ध महादेव टेम्पल है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर रीजन में वहाँ से इसका ओरिजिन है तीसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन जो था वो जी एस टी कम्पनसेशन सिस्कर

मूव करते हैं आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ़ द डे में एंड कल आई थिंक एक ही uh, संकेत नहीं बस ट्राई किया था मेंस क्वेश्चन ऑफ़ द डे बहुत ही प्यारा आंसर था काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है ना आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे आपको रिव्यूज और कमेंट भी मिले थे तो कीप राइटिंग है ना uh, जो मेहनत करेगा सिलेक्शन फाइनली uh, उसका होगा डेफिनेटली होगा तो कीप राइटिंग एंड हैव ट्रस्ट है ना कोई लिख रहा है कोई नहीं लिख रहा है uh, कोई मतलब नहीं है आपको लिखते रहना है ठीक है ना तो कीप राइटिंग दैट दैट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड वेरी गुड अप्रोच ऑफ एआईएस ऑफिस ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स एट सेंट्रल लेवल आप सेंट्रल लेवल पे एआईएस का बहुत ज्यादा चल रहा है ना कि रीजन है, है. तो है उसके शॉर्टेज के और क्या कैडर रूल्स को चेंज करना एकमात्र सोल्यूशन है दिस इज द क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन समझ लो संकेत मैंने आपके लिए ही दिया आज क्योंकि जो अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन तो उसी के लिए रहेगा ना बाकी लोग सिर्फ डिमांड करते हैं कि जरा क्वेश्चन रोज़ डाला करिए नहीं डालेंगे तो मतलब क्वेश्चन रोज डालना करिए लिखेंगे हम कभी नहीं तो ये एटीट्यूड रहता है लेकिन इसका आंसर ज़रूर करिएगा मेजर इसका अभी एक एडिटोरियल आज आपको मिलेगा जो कि इसी पे है तो आई विल टेल यू द पॉइंट्स ऑल्सो तो आप वहां पर देख सकते हैं और आंसर मैं कैसे लिखना है वही बता दूंगा तो प्लीज डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आगे मूव करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं पहली जो न्यूज़ है वो है स्माइल स्कीम के रिगार्डिंग तो स्माइल स्कीम लिख लीजिए अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए स्माइल स्कीम सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है स्माइल स्कीम किसकी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है और स्माइल स्टैंड फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्माइल का फुल फॉर्म क्या है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट

सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या अंतर है अब यह स्माइल स्कीम जो है ना इसके अंदर दो सब स्कीम्स भी हैं याद रखिएगा स्माइल स्कीम के अंदर क्या दो सब स्कीम्स है पहली है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन क्या है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन इसमें स्कॉलरशिप जो है वो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को जो क्लास नाइन्थ में या फिर पोस्ट टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक जा रहे हैं उनको दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम किए जाएंगे दक्ष एम दक्ष स्कीम जो है ना दक्ष उसके अंतर्गत किए जाएंगे देन मेडिकल हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी गरिमा गरिमाग्रह के अंतर्गत उनको दिया जाएगा है ना कंपोजिट मेडिकल हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाए जाएंगे सभी स्टेटों में ताकि उनके अगेंस्ट जो ऑफेंसेज हो रहे हैं उनको मॉनिटर रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन किया जा सके नेशनल पोर्टल एंड हेल्पलाइन बनाई जाएगी इसके अलावा दूसरी जो इसका सब स्कीम है याद रखेगा दैट इज कॉम्प्रीहसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज इन द एक्ट ऑफ बैगिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ परसन इंगेज इन द एक्ट ऑफ बैगिंग तो इसमें सर्वे होगा आइडेंटिफिकेशन होगा बेनीफिशरीज़ का और फिर इम्प्लीमेंटिंग uh, एजेंसीज़ उसको सर्वे करके डेटा इकट्ठा करेंगे इसके अलावा फिर लोगों को इंगेज किया जाएगा टू वेल सर्विस इन द शेल्टर होम्स फिर इन लोग को शेल्टर होम्स में ले जाया जाएगा शेल्टर होम्स में फिर फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन या इन सब को जैसे जो कई बच्चे आपने देखें होंगे रोड में जो इस तरीके से इन द एक्ट ऑफ बैगिंग दे आर इन्वॉल्व इन दै एंड ऐसे लोगों को वहाँ पर ले जाकर के एजुकेशन और ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी तो दीज आर द टू सब स्कीम्स अंडर द स्माइल प्रोग्राम एक तो ट्रांसजेंडर के लिए हो गई और दूसरी आपकी इनके लिए हो गई ठीक है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा ठीक है आगे मूव करते हैं अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एजेस पास्ट सिक्स परसेंट इन जनवरी तो यहाँ पे बेसिकली जो इन्फ्लेशन है वो अपने फाइनली छः परसेंट का मार्क और स्पेशली ये जो रूरल एरियाज हैं रूरल एरियाज में और ज्यादा महंगाई का लेवल जो था वो सिक्स परसेंट से ज्यादा क्रॉस करके गया रिटेल इन्फ्लेशन दैट हैज़ बिन राइजिंग एंड आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग नाम की एक चीज़ होती है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है कि यू शुड कीप द इन्फ्लेशन विद इन अ रेंज आप सबको पता होना चाहिए कि, कि कल मैंने एक सवाल

रिजर्व रेशियोज़ को बढ़ा दें अगर रिज़र्व रेशियोज़ को बढ़ा देंगे तो बैंक्स को ज़्यादा अपने पास होल्ड करना पड़ेगा और फिर वो कम लोन दे पाएंगे है ना तो लोगों के पास कैस पैसा कम जाएगा इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दें तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा क्योंकि लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और फिर लोग लोन लेंगे नहीं दूसरा ओ एम ओ होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाली जो चीज़ होती है तो सपोज़ करो अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची किसी बैंक को तो इसका मतलब उसके उसके एवज में पैसा ले रहा ले रहा होगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब बेच है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो उसको पैसा मिलता है सिक्योरिटी जाती है पैसा आता है और यही तो चाहिए हमको इन्फ्लेशन से गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो मतलब जब बेचता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इन्फ्लेशन से लड़ाई होती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सपोज अगर खरीद रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में सपोज करो वो बाय कर कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी और पैसा दिया और अगर उसने पैसा दिया इसका मतलब है कि मार्केट ने पैसा पहुंचा अगर मार्केट में पैसा पहुंचेगा तो फिर ये ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया होगा तो दीज आर दिंगटरी पॉलिसीज के जो दो ओपन मार्केट ऑपरेशन है और जो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिए आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं अगली जो न्यूज़ है वो है लॉन्च फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2022 2022 का भी रिसेंटली पहला लॉन्च हुआ है और मंडे की बात है जब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ई ओ एस ज़ीरो फोर एंड दो स्मॉल सैटेलाइट्स इंस्पायर सैट इंस्पायर सैट वन एंड आई एन एस टू टी uh, डी याद रखेगा ये दोनों लॉन्च की गई है ऑर्बिट इन पी एस एल वी सी फिफ्टी टू रॉकेट तो पी एस एल वी सी फिफ्टी टू रॉकेट के थ्रू ये गई हैं ये तीन फैक्ट लिख लीजिएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ई ओ एस जीरो फोर और दो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं इंस्पायर सैट वन और आई एन एस टू टी डी ये लॉन्च की गई हैं पी एस एल वी सी फिफ्टी टू रॉकेट के के साथ इनको लॉन्च किया गया है ठीक है ना दैट इज़ अ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अगर बताऊँ तो इसका फिफ्टी फोर्थ फ्लाइट है पी एस एल वी के एंड ट्वेंटी थर्ड मिशन है यूजिंग पी एस एल वी एक्सेल कन्फिग्रेशन विथ सिक्स स्ट्रैप ऑन मोटर्स तो एक्सेल कंपोजिशन में क्या होता है सिक्स स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे होते हैं याद रखेगा पी एस एल वी एक्सेल में सिक्स स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे रहते हैं उनके थ्रू ये लॉन्च किया गया है एंड इसके अलावा प्राइमरी सेटेलाइट जो थी वो ई ओ एस जीरो फोर है जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है ई ओ एस जीरो थ्री का जो लॉन्च होता था ना वो एक फेल फेलियर था ये भी आपको याद होना चाहिए ई ओ एस जीरो थ्री वॉज अ फेलियर है ना तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ आगे देख लीजिए इंस्पायर सेट के बारे में भी लिखा है ई ओ एस जीरो फोर की जो मिशन लाइफ है टेन इयर्स का है और इसमें राडार इमेजिंग सैटेलाइट दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी इमेज है ना ऑल वेदर कंडीशंस में हाई क्वालिटी इमेज के लिए इसको लाया गया है और इसके एप्लीकेशन रहेंगे बेसिकली ई एस जीरो फोर के एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री प्लांटेशन सॉइल मॉइस्चर हाइड्रोलॉजी फ्लड मैपिंग ये सारी चीज़ें करने का इसका एम रहेगा मेरे ई एस यो अर्थ ऑब्जर्वेशन है ना तो एग्रीकल्चर को फॉरेस्ट्री को प्लांटेशंस को सॉइल मॉइस्चर को हाइड्रोलॉजी को एंड फ्लड मैपिंग को ये सब बेसिकली इसका एम रहेगा मिशन लाइफ रहेगी दस साल की इंस्पायर सेट वन जो था वो स्मॉल सैटेलाइट है और इसकी मिशन लाइफ केवल एक साल की रहेगी इसमें दो पेलोड्स हैं द सैटेलाइट्स आर एम टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइनोस्फेयर डायनामिक्स एंड कोरोनल हीटिंग प्रोसेस लिख लो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्पायर का सेट का काम क्या है दो काम है इंस्पायर सेट का पहला है अंडरस्टैंडिंग द आयोनोस्फेयर जहाँ पे आयन्स और ये सब रहते हैं ना आयोनोस्फेयर उसके डायनामिक्स को समझना एंड सन्स कोरोनल हीटिंग प्रोसेस सन का जो कोरोनल हीटिंग है उसको समझना ठीक है ये दो एम है इसके आयनोसफेयर के डायनामिक्स को समझना और सन के कोरोनल हीटिंग को समझना ठीक है ना एंड दिसलाइट इज बिल्ट बाय इजरो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इजरो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर सेट वन है ना उसको बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसने इसको बनाया है ठीक है ना तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट और इसके अलावा थोड़ा असिस्टेंस लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो कोलोराडो बोल्डर एनट्यू सिंगापुर एंड एनसीयू ताइवान की कुछ जो अलग-अलग लैबोरेटरीज -अलग है वहां की असिस्टेंस भी लिया है आई एन एस टू टी डी जो है उसकी मिशन लाइफ केवल छः महीने की है इसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है पेलोड के रूप में और साइंटिस्ट विल बेनिफिट द असेसमेंट ऑफ लैंड सर्फेस टेम्परेचर वाटर सर्फेस टेम्परेचर ऑफ़ वेटलैंड एंड लेक्स और डिलिनेशन ऑफ वेजिटेशन एंड थर्मल इनर्शिया तो बेसिकली टेम्परेचर बेस्ड ये असेसमेंट करने के लिए जा रहा है ऊपर और इससे टेम्परेचर ऑफ़ लैंड सर्फेस असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ़ वाटर सर्फेस वेटलैंड लेक्स टेम्परेचर डीलिनेशन ऑफ वेजिटेशन थर्मल इनर्शिया ये डे एंड नाइट के बीच में क्या डिफरेंस है तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए जा रहा है और इट्स अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सेटेलाइट फ्रॉम इसरो अ प्रिकर्सर टू द इंडियन इंडिया भूटान जॉइंट सेटेलाइट तो ये प्रिकर्सर है टू द इंडिया भूटान जॉइंट सेटेलाइट आई एन टू बी का प्रिकर्सर है ये और इट्स अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ठीक है ना अ टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर सेटेलाइट तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज आइटम्स आपको मिल गए ये आप याद रखेगा ठीक है थीके? गवर्नमेंट बैंस फिफ्टी फोर मोर चाइनीज़ एप्स है ना गवर्नमेंट ने चाइनीज़ एप्स को और बैन कर रही है बढ़िया ऐसे ही करना चाहिए हमको मुझे तो लगता है ऐसा ही करना चाहिए इनके साथ और ज़रूरी भी है चाइनीज़ तो साले किसी काम के हैं ही नहीं मतलब सबसे अगर घटिया कोई नेबर है अपना पाकिस्तान से भी घटिया अगर कोई नेबर है तो वो चाइना है ठीक है ना तो ये बात मान के चलो अब कर्नाटका कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जिसमें ऑनलाइन गेमिंग जो वहाँ पे बैन कर दी गई थी उसके उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया तो अभी एक्चुअली हुआ क्या था कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया था कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 थाउजेंड ट्वेंटी विच प्रोहिबिटेड एंड क्रिमिनलाइज्ड दी एक्टिविटीज़ ऑफ ऑफरिंग एंड प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि दे क्रिमिनलाइज एंड प्रोहिबिटेड द एक्टिविटीज ऑफ ऑफरिंग एंड प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स चाहे उसमें उन्होंने कहा कि अगर इफ यू आर रिस्किंग योर मनी इन प्लेइंग गेम्स और अदरवाइज देन यू आर डूइंग अ क्रिमिनल ऑफेंस तो क्रिमिनलाइज एंड प्रोहिबिट कर दिया था तो ऐसे में बेंच ने उसको स्ट्राइक डाउन कहा एंड दिस इज दिस इज गोइंग अल्ट्रा वायरस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड उन्होंने कहा कि नहीं दिस इज अ वेरी हार्श स्टेप अगेंस्ट द बिजनेस एंड अ एक्टिविटीज इन द गेमिंग बिजनेस तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा हार्श है हाँ आप बेटिंग और गैम्बलिंग के अगेंस्ट बनाना करना चाहते हैं आप वैसा बनाइए बेटिंग और गैम्बलिंग अगेंस्ट बनाए आपको कोई नहीं रोकेगा लेकिन इस तरीके से एक ब्लैंकेट बैन लगा देना एक एब्सल्यूट बैन लगा देना ओवरऑल द गेमिंग इंडस्ट्री दैट विल बी वेरी रॉन्ग एंड दैट विल बी अगेंस्ट द अगेंस्ट आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर इट इज वॉलेटिंग दैट ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है ना इसरो पुट्स थ्री सेटेलाइट्स इन टू औरबिट अवार्ड पी एस एल वी सी फिफ्टी टू अब ये वही न्यूज़ है जो हमने अभी आपको ऊपर बताई दिस इज़ पी एस एल वी सी फिफ्टी टू जिसमें कि आपका ई ओ एस ज़ीरो फोर और आपका जो मैंने आई एन एस टू टी डी और इसके अलावा इंस्पायर सैट वन जो मैंने आपको बताया इंस्पायर सैट का काम ज़रूर याद रखना आइनोसफेयर और सन का कॉरल जो वो है है उसको और हीटिंग और दूसरा जो आपका आई एन एस टू टी डी जो है दैट इज़ द थर्मल रेंज थर्मल पूरा एनालिसिस करने के लिए बेसिकली बिस, बिस, उसको भेजा गया है ई ओ एस जीरो थ्री का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि उसका एक फेलियर हुआ था है ना दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए और ई ओ एस जीरो फोर का जो मिशन लाइफ है वो दस साल का है इसके अलावा मैंने आपको बताया आई एन एस टू टी डी का जो मिशन लाइफ है वो छः महीने का है और इंस्पायर सेट का एक साल का मिशन लाइफ है ठीक है ना दैट इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इसके अलावा मैंने आपको बताया था दैटेलाइट विल कलेक्ट जैसे जो ये आपकी ई ओ एस जीरो फोर है ना द सेटेलाइट एंड ऑल विल कलेक्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा इन सी बैंड एंड इट विल कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट द डेटा फ्रॉम रिसोर्स सैट कार्टो सैट आर आई सेट टू बी सीरीज तो ये जो अलग अलग सेटेलाइट ऑलरेडी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए गई हैं उनको कॉम्प्लीमेंट और uh, कहना चाहिए सप्लीमेंट करेगा डेटा ये बेसिकली आपका uh, दिस सेटेलाइट ठीक है ना तो ये भी आपको याद रखना है इसके अलावा इंस्पायर सेट वन जो है, है स्टूडेंट सैटेलाइट दिस इज फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद रखेगा इंस्पायर सेट वन क्या कैट्स स्टूडेंट सेटेलाइट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इसके अलावा आ, ये सारे फैक्ट्स अगर आप याद रखते हो तो दट इज मोर देन एनआ आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दैट ठीक है इसको याद रखेगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो सबसे पहला जो आर्टिकल आज का डिस्कस करेंगे वह जूमिंग इन ऑन द पोटेंशियल ऑफ इंडिया जियो स्पेशल सेक्टर अब आपका जो जियो स्पेशल सेक्टर यानी कि यही वाला है सर्वे ऑफ इंडिया इसरो ये सारे मतलब कि एक तो जियोग्राफिकल प्लस स्पेशियल है ना तो ये पूरा जियो स्पेशल सेक्टर के रिगार्डिंग ही ऑथर ने यह आर्टिकल लिखा है कि क्या क्या पोटेंशियल और क्यों वहाँ मिस हो रहा है तो सबसे पहली बात ऑथर ने कहा कि पंद्रह फरवरी दो का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट था वाटरशेड मूवमेंट था जब गवर्नमेंट

ऑथर ने कहा कि इंडिया में बहुत रोबस्ट इको सिस्टम है जियो स्पेशल चाहे सर्वे ऑफ इंडिया नाम की बॉडी हो चाहे इसरो की बॉडी हो चाहे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स हो चाहे सी हो यानी कि नेशनल सेंटर हो तो कुल मिलाकर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोबस्ट हमारे पास इको है लेकिन अभी भी फुल पोटेंशियल हमने एनालाइज नहीं किया है जो आपका ये मतलब जियो स्पेशल सेगमेंट का जो पोटेंशियल है वो हमने कहना चाहिए कि अभी भी एक्सप्लॉयट uh, नहीं किया है क्योंकि जब तक अपन इसमें प्राइवेट की भी पूरी मदद नहीं लेंगे तब तक हम कहना चाहिए कि वी विल नॉट बी एबल टू गेट द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर ठीक है ना इसी कारण से 2021 में ये चीज़ की गई थी उन्होंने है ना अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है लेकिन अभी इसको पर्कुलेट करने में टाइम लग रहा है अभी भी बहुत ज़्यादा इसको परकुलेट ऊपरकुलेट हुआ नहीं है और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन अभी ज़्यादा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है जो अगर हम इसको कमर्शलाइज करके एक्सप्लॉइट करना चाहें तो बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है तो वो हमको करने की ज़रूरत है तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि अगर आप देखें तो अगर आप दो तक ये चाहे तो लगभग एक लाख करोड़ तक का प्रोजेक्शन है कि मार्केट में वन लाख करोड़ तक का ये बाय द ईर टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन दिस कैन कंट्रीब्यूट टू दैट है ना तो हमारा

ईयर का एफर्ट्स है उसके बाद हुआ तो मैप माई इंडिया का जो आई है वो ओवर सब्सक्रिप्शन में था मतलब उसको बहुत ज्यादा लोग सब्सक्राइब करना चाहते थे और दूसरा आपका सिटी मैपिंग प्रोग्राम बाय जेनेसिस इंटरनेशनल सिटी मैपिंग प्रोग्राम बाय जेनेसिस इंटरनेशनल ये दोनों के बारे में उन्होंने जिक्र किया तो इसको लिख लीजिएगा एंड इसके अलावा ऑथर ने कहा कि टूडेज देर इज अ वेरी पॉजिटिव मूड इन द प्राइवेट इंडस्ट्री प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत पॉजिटिव मूड है है ना uh, इस जियो स्पेशल सेक्टर को लेकर के तो उसको हमको फुल्ली एक्सप्लोइ करने की जरूरत है अब ऑथर ने कहा कि की इशूज क्या है तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो हर्डल्स हैं वो उसकी बात हम कर लेते हैं सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि मोस्ट प्रोमिनेंट हर्डल है देर इज नो डिमांड फॉर जियो स्पेशल सर्विस एंड प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्जर स्केल लिंक टू इंडियन पोटेंशियल एंड साइज मतलब कि अगर आप इंडियन पोटेंशियल और साइज इसको देखें तो बहुत ज्यादा किसी ऐसे प्रोडक्ट की जियो स्पेशल प्रोडक्ट की जरूरत ऐसी दिखती नहीं है ना तो वही अवसर ने बोला है कि अगर आप इंडियन मार्केट को एनालाइज करें तो आपको दिखेगा कि बहुत लार्ज स्केल में कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस जो जियो स्पेशल सर्विस है उसकी नीड आपको नहीं दिखेगी है ना एंड दिस इज मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पोटेंशियल यूजर्स इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इसका रीजन क्या है क्योंकि देर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों को पता ही नहीं कि भाई इस सेक्टर से क्या 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 सेगमेंट से की जा सकती हैं चीजें तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है यू विल नॉट बी डिमांडिंग द सर्विसेज तो दैट इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड जो मेजर इशू है इन दिस सेक्टर दैट इज द लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स स्किल्ड मैन पावर की जो कमी है लैक ऑफ स्किल्ड मैन फोर्स स्किल्ड मैन फोर्स की कमी है स्किल्ड मैन पावर की कमी है यही जो सबसे बड़ा इशू है कि भैया इस सेगमेंट के लिए के एक स्पेसिफिक नॉलेज एक टेक्निकल नॉलेजिफिक वहां पर नॉलेज चाहिए आपको है ना और ऐसे लोग आपको कैसे मिल पाएंगे तो दैट इज द बिग इशू ठीक है Uh, तीसरा है कि या यहाँ पे द अन अवेलेबिलिटी ऑफ फाउंडेशनल डेटा स्पेशली एट हाई रेजोल्यूशन इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट तो जो डेटा है फाउंडेशन डेटा है दैट इज अन अवेलेबल तो ऑथर ने ऐसा कहा कि जो डेटा है दैट इज़ अन अवेलेबल एंड दैट इज अगेन अ कंस्ट्रेंट एंड लैक ऑफ क्लैरिटी क्योंकि अभी भी देखो जो पब्लिक बॉडीज हैं वो डेटा शेयर तो करेंगे नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो डेटा शेयरिंग अगर नहीं करेगा और तो किस तरीके से ये जो प्राइवेट नए प्लेयर्स अगर आएंगे तो किस तरीके से आएंगे भाई एक्सपी

डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल के थ्रू ही ये पॉसिबल है भैया आप देखो ना स्पेस लोग कितना ज्यादा इसमें तरक्की कर गए हैं हमको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए है ना एंड देर इज अ नीड टू इस्टैब्लिश अ जियो पोर्टल टू मेक ऑल पब्लिक फंडेड डेटा एक्सेसिबल थ्रू डेटा एज अ सर्विस मॉडल वही वाली बात है कि डेटा को शेयर करने का कुछ प्रोसीजर कुछ मैकेनिज्म बनाने की जरूरत ऑथर ने कही है है ना एंड कल्चर ऑफ डेटा शेयरिंग कोलेब्रेशन को क्रिएशन ये हमको इनकलकेट uh, करने की कोशिश करनी चाहिए लोकल टेक्नोलॉजी सल्यूशन का यूज़ करो उनको प्रमोट करो एंड इंकरेज uh, करो लोगों को कि कॉम्पिटिशन को प्रमोट करें इस फील्ड में इस फील्ड में अगर कॉम्पिटिशन आ गया तो बहुत जल्दी ये फील्ड भी तरक्की कर लेगा सो so, दैट द थिंग विच ऑर्थर से दसवीं एनिवर्सरी तक हम जरूर ये चीज कर पाएंगे इनकरेक्ट डायग्नोसिस रॉन्ग रेमेडी अब यहां पर ऑथर ने बात की है ये कोई मेडिकल का आर्टिकल नहीं है इनकरेक्ट डायग्नोसिस रॉन्ग रेमेडी जो है ये मेडिकल का आर्टिकल नहीं है है ना ये आर्टिकल एक्चुअली में जो गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली कहा है कि ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो कम आते हैं उसके ऊपर ये एनालिसिस है तो ऑथर ने सबसे पहले कहा कि गवर्नमेंट जो है रूल uh, जो है वो चेंज करना चाहती है रूल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर रूल्स नाइनटीन को चेंज करना चाहती है और इंपावर करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू यूनीटरली ऑर्डर द सेंट्रल डिपुटेशन ऑफ आई ऑफिसर ऑफिस का मतलब क्या है? कि अकेले अपने ही मर्जी से वो चाहे तो यूनि लेटरली चाहे तो आई ऑफिसर्स को मतलब स्टेट से उठा करके अपने पास सेंट्रल डिपुटेशन बुला सकते हैं तो ये इस, तर, इस तरीके का रूल चेंज करना चाहते हैं और ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन है ना तो ऑथर ने यहां पे बेसिकली बोला कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक्चुअली प्रॉब्लम ही नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है व्हाट आर द द प्रॉब्लम्स व्हाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सेंट्रल ये ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स एट लेवल तो क्या reasons है? वो ऑथर ने यहां पर बोला क्योंकि देखो यहां पे ऑथर ने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस रूल्ड या दूसरे अदर पार्टी रूल्ड स्टेट्स में प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम बीजेपी रूल्ड स्टेट से भी आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी रूल्ड स्टेट से आई ऑफिसर्स प्रॉपर आ रहे हैं और बाकी स्टेट से नहीं आ रहे तो ये एक

That वॉज द ड्रास्टिक रिडक्शन इन द एनुअल रिक्रूटमेंट ऑफ आई एस ऑफिसर्स आफ्टर नाइनटीन नाइन वन नाइनटीन नाइनटी वन के बाद से जो आई एस ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो आपने ऑलरेडी कम कर दिया है ना आपने आपको लगा कि आपने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कर दिया है इसलिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब आई एस ऑफिसर्स की तो वो जो आपने कमती की थी नाइनटीन नाइनटी वन के बाद नाइनटीन नाइनटी वन के बाद जो आपने रिडक्शन किया है ड्रास्टिक रिडक्शन इन द एनुअल रिक्रूटमेंट ऑफ आई एस ऑफिसर्स वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों आई एस ऑफिसर्स गए

ऑथर ने कहा कि वहां पे कमिश्नर फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, कमिश्नर फॉर आर्कियोलॉजी है कमिश्नर फॉर म्यूजियम्स है ये सारी कैडर पोस्ट के रूप में डेजिग्नेटेड है अब ऑथर ने कहा ऐसी पोस्ट पे आई ऑफिसर वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक पोस्ट है तो ऑथर ने कहा कि आपको प्रॉपर कैडर रिव्यू करना चाहिए और कैडर रिव्यू करके ऐसी पोस्ट जो नॉन रेलिवेंट नॉन स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं वहां से फिर आई ऑफिसर्स को आप हटाओ और वहां पर भेजो है ना तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट को कैडर बेस्ड पोस्ट ना रखो तीसरा जो है ऑथर ने कहा कि एक बहुत ही गलत डिसीजन हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था पहले ऑफिसर्स टू द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ग्रुप बी है ना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ग्रुप बी ऑफिसर्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था तो 2000 के बाद ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट खत्म कर दिया गया तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गई कि सर्विस ग्रुप बी जो ऑफिसर्स थे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स थे उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपने बंद कर दिया दो के बाद से है ना एंड इसके बाद अनड्यू डिले होने लगा रेगुलर प्रमोशन में

can use these offices. तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो ऑथर ने कहा था एंड फिफ्थ कॉज इज़ द न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स टू सेंट्रल डिपूटेशन ऑथर ने कहा कि सेंट्रल डिपूटेशन करना भी बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है ये इसके लिए भी बहुत सारी कंडीशन है बहुत रिस्ट्रिक्टिव प्रोसेस होती है और उस रिस्ट्रिक्शन के कारण ऐसा नहीं कि हर ऑफिसर उसमें क्वालिफाई कर जाए तो आप वो चीज़ देखिए आप थोड़ा कंडीशन जो बनाइए उसको इतना इतना लिबरल रखिए एटलीस्ट कि कुछ ऑफिसर्स वहां पे आ सके ना उनको बहुत ज़्यादा उनको कंस्ट्रेंट ना रहे तो ज दिंग सोल्यूशन क्या होगा सोल्यूशन यही होगा कि एक तो इन्होंने कहा कि सारे आई एस ऑफिसर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से मैंडेटरी कर दो कि कम से कम तीन साल का सेंट्रल डेपन सेम्पोर्टेंट रहेगा और अगर आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनना है तो यह कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी पहले कि तीन साल आपने सेंट्रल डेपेशन में किया है कि नहीं किया है बाकी मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताई वही सोल्यूशन है तो आई होप यू गोट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल ठीक है ना तो आगे मूव करेंगे आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है यू कैन मूव अहेड विद मी तो यहाँ पे देखिए एनएचए टू इंटीग्रेट कास्ट सेंसस डेटा बेसिस अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर का तो एक बॉडी आती है आपको पता होगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाम की बॉडी ओके तो तो ये बॉडी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि अब एक नया काम करेगी इट विल इंटीग्रेट क्या इंटीग्रेट करेगी इंटीग्रेट करेगी इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सोशन दो एस सी 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 डेटा है और दूसरा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बेनिफिशरीज हैं उन डेटा को ये मर्ज करेगी मतलब कि इन दोनों में जो नाम कॉमन है उनको एक नाम बनाएगी और जो नाम नहीं है अलग अलग होंगे उनको अलग अलग लिखेगी है ना तो सिंपल सी बात है एस और एन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और कोशिक तो नामक कास्ट सेंसर का जो डेटा है उसको मर्ज करेगी और ये देखेगी कि कौन-कौन से ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जिनको जन आरोग्य जो ये आपका आयुष्मान योजना है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति जिनको मिलेगा है ना तो ये सारी चीज़ इन सबको अपडेट करने का बेसिक काम है क्योंकि आपको पता है एनएचए इज बेसिकली द बॉडी विच इज मैंडेटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना तो एन एच ए इज द बॉडी विच इज मैंडेटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उस स्कीम में ये तो पता होगा ना कि पाँच लाख रुपए हर फैमिली को दिया जाएगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर याद रखेगा सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए पांच लाख रुपए पर फैमिली को दिया जाएगा

ये रशिया यूक्रेन के टेंशन के कारण ही सारी चीज़ें हो रही हैं मैं आपको एक बार जल्दी से इनका मैप दिखा देता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा रशिया और ये यूक्रेन का मैप दिख रहा है ना रशिया और युक... मुझे तो पता नहीं कलर में डिफरेंस ही नहीं समझ में आता आप लोग को पता हो ज़्यादा रशिया मेरे हिसाब से येलो कलर में है और यूक्रेन मेरे हिसाब से ऑरेंज कलर में है तो आई होप दिस इज़ द राइट कलर जो कि मैं बोल रहा हूँ अदरवाइज आजकल तो बहुत सारे कलर आने लगे हैं रेडिश ऑरेंज भी आने लगा है पता नहीं क्या होता है वो तो आप नीचे देखिए यहाँ पे यूक्रेन है पूरी लड़ाई है जो वो स्टार्ट हुई थी बेसिकली कहना चाहिए आपका ये आ, क्रीमिया वाले रीजन से यू कैन सी दिस दिस इज द क्रीमियन पेनेंसिला और यहाँ पर एक्चुअली रशिया का क्या है रशिया के पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ से वो ट्रेड कर सके तो इसलिए वो ब्लैक सी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आ, क्रीमिया में जो ये सेवेस्ता पोल नाम का पोर्ट है सेवेस्ता पोल आपको दिख रहा होगा ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए तो रशिया ने क्रीमिया में दो हज़ार में अटैक कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया ठीक है ना और इसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका बोलते हैं मिंस्क एग्रीमेंट क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं मिन्स के एग्रीमेंट और मिन्सक एग्रीमेंट से जो लड़ाई थी इनकी बीच की वो थोड़ा शांत की गई यूक्रेन और उसकी और यूक्रेन का जो ये वाला रीजन है लुहानस्क और दोस्क वाला रीजन आपको दिख रहा है ये क्या ये दिख रहा होगा ना लुहानस्क दिख रहा है ये लुहानस्क है और ये दोनस्क है तो लुहानस्क और दोस्क वाला जो रीजन है यहाँ पे र, र, सेपरेटिस्ट रशियंस हैं और ये रशिया में मर्ज होना चाहते हैं दैट इज़ द रीज़न वाई यूक्रेन को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया कल को हमको अलग करके तोड़ दे ये वाला रीजन जो हमारा वेस्ट ईस्टर्न पार्ट है उसको अलग कर दे तो दैट इज दैट इज द रीजन वाई क्यों उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो यू कैन मूव अहेड यहाँ पे आपको पाक बे फिशरीज़ कन्फ्लिक्ट के बारे में पता होगा पाक बे वाला जो रीजन है वो सेपरेट करता है इंडिया को इंडिया के सदन पार्ट को जो तमिलनाडु वाला रीजन है उसको सेपरेट करता है श्रीलंका से श्रीलंका का जो नदन पार्ट है उसको हम बोलते हैं जाफना पेनिनसुला आपको पता है जाफना पेनिनसुला बोलते हैं ठीक है ना अब होता क्या है कि देखो यहाँ पर बहुत कंफ्लिक्ट चलता है दोनों आ, देशों की फिशरमैन कम्युनिटीज़ के बीच में क्यों सबसे बड़ा जो रीज़न मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा रीज़न है कि जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं इंडियन साइड के वो बॉटम ट्रॉलिंग का यूज़ करते हैं बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है कि वो नीचे एक नेट बिछाते हैं नीचे ग्राउंड तक और उसको फिर स्वीप कर देते हैं और जब वो स्वीप करते हैं तो उसमें बहुत सारे फिशर्स के साथ साथ जितने भी एकवेटिक एनिमल्स उस रीजन में रहते होंगे वो सब स्वीप हो जाते हैं एंड दैट इज रीजन कि एक, एक तो वो इकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है दूसरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करता है तो जो दूसरे फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं उनका जो लाइवलीहुड है वो इफेक्ट होता है तो इस कारण से लड़ाई झगड़ा होता रहता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में और इस कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जा सके इसके लिए ऑथर ने वही सजेस्ट किया कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि बॉटम ट्रॉलिंग का यूज़ ना करें जो दूसरी ज़्यादा टारगेटेड मैथड्स ऑफ फिशिंग है उनका यूज़ करें ताकि दोनों फोरेज फोरेज कर सके दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो दोनों साइड्स में रह रहे हैं वो लोग अच्छे से एक दूसरे का शेयरिंग के साथ रह सकें है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लास्ट टॉपिक है आज का न्यूज़ का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आप सबको पता होगा कि इसमें क्या होता तो है जब हम एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स खाते हैं अपनी मर्जी से जब हम डॉक्टर बनते हैं ना तो ये सारी बीमारी शुरू होती है कि जैसे सर दर्द हो रहा है तो सेरेडॉन खा लिया ये हो रहा था जिथ्रोमाइसिन खा ली वो हो रहा है तो इजीवॉक खा लिया तो इस तरीके से जब हम खुद से डॉक्टर बनते हैं तो हमको फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है और फिर बाद में अगर हमको कोई बीमारी एंटीबायोटिक से ठीक भी होनी होती है तो वो ठीक नहीं होती है दैट इज द मेजर प्रॉब्लम वाई वी गेट ऑल दीस थिंग्स एंटी माइक्रोबल रेजिटेंट का सोल्यूशन यही है कि एक तो ओवर द काउंटर अंडर द काउंट ओवर द काउंटर ड्रग्स को आप इस तरह से मत खरीदो और दूसरी चीज़ है कि अपने से डॉक्टर मत बनो आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लो जब तक कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरीली ना हो तब तक, तक आप बिल्कुल ये दवाइयाँ ना लीजिए सिक्स लीडिंग पैथेजन जो है उसमें एस कोलाई है एस ओरियस है के निमोनियाई है एस निमोनियाई है ए बोमानी है सीडोमनास आर्गिनोसा है तो ये अलग अलग छह तरीके के एनर्जी पैथजेंस हैं जिनको जो कि ए एम आर कॉज करते हैं मेजरली तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल अवेयरनेस इज द की अवेयरनेस इज द की दैट विल रिजॉल्व दिस थिंग है ना और दूसरा जो सोल्यूशन है वो है हाइजीन इंश्योर हाइजीन एंड सैनिटेशन इन ऑल द प्लेसेस हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन करके रखो ताकि इनका जो डेवलपमेंट है वही ना हो पाए तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइटिंग अगेंस्ट दिस ए एम आर एंड दैट इज इट फॉर द डे कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एम नाइस डे